मॉर्निंग फ्रेंड. सो केमिकल काइनेटिक और उसमें हम लोग डिस्कस करना है अभी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अभी मॉलिक्यूलिटी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया. ठीक है, आप मॉलिक्यूलिटी देख लीजिएगा. वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो सिंपल उसी जैसा है ऑर्डर, बट ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उससे अलग है. इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर. सो केमिकल काइनेटिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12 है. नीट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 50 क्वेश्चन पूछा हुआ. बहुत सारे मेथड होते हैं ना ऑर्डर निकालने के लिए. एक्सपेरिमेंटल डाटा है, गिवन मैकेनिज्म है, ग्राफिकल फॉर्म है, कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं, यूनिट से निकाला जाता है, हाफ लाइफ से निकालना है, कई मेथड होते हैं जैसे आप ऑर्डर को रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं. डिफिनेशन, जैसे ये एक रिएक्शन है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल है और रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है. इसका रेट इक्वेशन लिखा जाता है. सबसे पहले रेट इक्वेशन जो है ये लिखना होता है. अब ये अभी तो थ्योरी, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कि कैसे रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है. कई मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ये आप नहीं लिख सकते डायरेक्ट देख के. नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट देख करके ऐसे इसके ऊपर पावर ए कर लिए, इसके ऊपर पावर बी कर लीजिए. नो, ये अलग है, केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग चीज़ है. ये आपको रेट इक्वेशन लिखना है. रेट इक्वेशन में जस्ट कुछ रूल्स होते हैं, वो कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा. अभी आपको डिफिनेशन बनाना है. तो यहाँ ए बी अलग लिखना है, ए एंड बी नंबर ऑफ मोल है. बट रेट इक्वेशन में ये नहीं कि यहाँ इसके ऊपर पावर ए कर दीजिए, इसके ऊपर पावर बी कर दीजिए. नो, एनसीईआरटी मना कर रहा है, बोले कि नो, ये इसके ऊपर पावर एक्स लिखना है, इसके ऊपर पावर वाई लिखना है. और ये हो सकता है सेम, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है रेट इक्वेशन, उसके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. वो मैं सब सिखा दूंगा, मैं सारा बताऊंगा, एक एक लाइन आपको डिस्कस करूंगा. सो पहले आप ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, स्कूल में आता है ऑर्डर के लिए. तो एक सिंपल आप रिएक्शन लिखेंगे, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज यूज करना है. आप रेट इक्वेशन आप लिखना है और ये के ए पे पावर एक्स कर लीजिए, बी पे पावर वाई कर लीजिए. और रेट इक्वेशन में ये जो पावर है ना, पावर को जोड़ लिया, पावर को जोड़िए. लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर, ये एक्स प्लस वाई, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सम लेना है, पावर लेना है, किसका पावर लेना है, ये ब्रैकेट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कभी कभी प्रोडक्ट भी आता है, बहुत रेयर है. एनसीईआरटी में सिर्फ रिएक्टेंट लिखा हुआ, बट हम लोग जानते हैं कभी कभी एडवांस में कभी कभी प्रोडक्ट भी आता है. तो यहाँ आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ रेट लॉ इक्वेशन. ये रेट इक्वेशन पहले लिखना है, यहां से नहीं, यहां से आप जोड़िएगा तब नहीं, वो अलग चीज है. वो तो मॉलिक्यूलिटी है, वो तो आपने कंप्लीट कर लिया. मॉलिक्यूलिटी ऐसे लिखा आपने मॉलिक्यूलिटी तो आपने ऐसे, वो आपको लिखने के लिए मैंने सिखाया था ए प्लस बी. मॉलिक्यूलिटी है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो मॉलिक्यूलिटी था. ऑर्डर अलग है. ऑर्डर में सबसे पहले इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखा जाता है, उसके बाद रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन पे जो जो पावर है ना, उसको सम कर लीजिए. सो ये आप लिखना है, स्कूल में आता है तो ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाना है, ये रेट लॉ लिखना है एंड ऑर्डर लिखना है, और अपना स्टेटमेंट खुद बनाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एट द सम, ऐड करना है, ऑफ पावर, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर को जोड़ना है इन रेट लॉ इक्वेशन. कभी कभी प्रोडक्ट भी आता है, तो मैंने यहां लिख दिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रेट लॉ इक्वेशन, ये हो गया. उसके बाद लिखना है इसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलिटी थ्योरेटिकल था. सो आप नोट करेंगे यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. So order of reaction is an experimental value. ये experimental है, ये आप देख के नहीं बता सकते. या तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, ढेर सारा नॉलेज हो साइंस के, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, बहुत सारे रिएक्शन को जानते हैं, या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा, एक्सपेरिमेंट का डाटा देगा, एक्सपेरिमेंट का मैकेनिज्म देगा, कुछ यूनिट दे देगा, हाफ लाइफ दे देगा,
कुछ ग्राफिकल फॉर्म कुछ न कुछ हिंट देगा जिससे आपको ऑर्डर निकालना है। ये थ्योरी नहीं है कि आप देख के बना लेंगे आपको। नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो जीरो भी होता है, कभी कभी ऑर्डर आपको निगेटिव भी मिल जाता है, कभी कभी ऑर्डर जो होता है आपका फ्रैक्शन भी मिलेगा, कभी कभी ऑर्डर जो है वो वन भी मिल जाता है, टू भी मिल जाएगा, थ्री भी मिल जाएगा, बट ऑर्डर ग्रेटर देन थ्री, ऑर्डर ग्रेटर देन थ्री ऐसे अगर थ्री से ज़्यादा जाइएगा तो वेरी वेरी रेयर। सो इसका रीजन मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, ये बहुत रेयर है। आप एक बार फिर से लिख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी में मैंने आपको समझा दिया है कि थ्री तक तो ठीक है बट उसके आगे बहुत मुश्किल है। तो ऑर्डर अगर फोर लिख रहे हैं तो ऑर्डर फोर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर थ्री जो है, ऑर्डर जो है वो पूछा भी हुआ है आपका कि ग्रेटर देन थ्री, ये जो होता है वेरी वेरी रेयर, मैंने आपको समझाया था ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑर्डर फोर हो, ठीक है, ऑर्डर फोर हो, ऑर्डर फोर का मतलब होता है यहाँ पे फोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये फोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली कोलिजन करना है, जो कि बहुत टफ होता है। मैं आपको अभी मॉलिक्यूलरी में समझाया था, क्लासरूम में, ये रूम में बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 भी है, हीलियम भी है, बट उन चारों गैस को आप बोलिएगा कि चारों को एक साथ एक ही जगह पे ऐसे कोलाइड करना, ये बहुत मुश्किल है। सारे गैस रैंडमली घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन, इधर उधर जिगजैग पाथ में, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़े हुए हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए घूमते रहते हैं। टू को कोलिजन करना आसान है, दो आते जाते हेडन कोलिजन कर जाएगा, थ्री तक भी हो जाता है बट थ्री से ज़्यादा बहुत रेयर है। तो ये कोलिजन करना, ये साइमल्टेनियसली कोलिजन करना, वो बहुत रेयर होता है। इसलिए ऑर्डर जो है फोर वेरी, पूछा भी हुआ है ऑर्डर थ्री तो वेरी वेरी रेयर। वेरी रेयर या वेरी लो प्रोबेबिलिटी। For simultaneous collision, of more than three molecules. Reactant molecule. तो आप लिख लीजिएगा यहां पे, आप अपना स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ऑर्डर ग्रेटर देन थ्री वेरी रेयर होता है, ऑर्डर थ्री ग्रेटर देन थ्री का मतलब होता है कि यहां पे आपको थ्री से ज्यादा मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली एक जगह पे एक ही पॉइंट पे, तो वेरी लो प्रोबेबिलिटी, ये एक जगह पे मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत लो होता है। सो ये पूछ चुका है, आईडी मेन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन। सो पूरा एनसीईआरटी का ही लाइन है, वो मैं डिस्कस किया था मॉलिक्यूलरिटी में भी आपको, कि ये आईडी मैंने पूछा हुआ कि ऑर्डर ग्रेटर देन थ्री बहुत रेयर है, मॉलिक्यूलरिटी भी ग्रेटर देन थ्री रेयर है आपका, ठीक है। सो ये होगा आपका, अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में भी आएगा, कुछ जानते हैं आप पहले से, कुछ नया है यहां, अभी थोड़ी देर के लिए आप रिमेंबर करेंगे, बट साइंस में मैंने कभी रिमेंबर करने के लिए नहीं बोला है आपको, अभी थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस करना। आपको जीरो में ऐसे दिखाना है कि जीरो ऑर्डर निगेटिव फ्रैक्शन, वन टू थ्री फोर, फोर तो बहुत रेयर है तो उसको हटा देंगे हम लोग, जीरो निगेटिव फ्रैक्शन वन टू थ्री, कुछ एग्जांपल मैं यहां प्रेजेंट करूंगा बट रीजन मैं समझा दूंगा। रीजन क्या, आप क्वेश्चन में खुद ही करेंगे, जीरो का आपको ऑर्डर एग्जाम्पल करना है, ये निगेटिव का आपको पूछा जाता है, तो वो खुद ही आप बनाएंगे। मैं प्लान करके मैकेनिज्म या डाटा से बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, अभी मुझे एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल आता है पेपर में, तो वो एग्जाम्पल आप प्लीज यहाँ पे अभी मेरे साथ लिखेंगे, आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, फिर निगेटिव फ्रैक्शन वन टू थ्री का, उसके बाद मैं मेथड बताऊंगा ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो प्लीज अभी एग्जाम्पल आप लिखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, कुछ नया भी मैं बताऊंगा। तो यह है ऑर्डर का डिफिनेशन, स्कूल में आएगा,
एक नंबर का आता है स्कूल में, जस्ट बोर्ड एग्जाम में और डिफाइंड ऑर्डर, तो आपको वैसे ही जैसे मैंने बनाया ड्राइंग कर करके आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट, आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर एक से, सो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो ये डायरेक्ट कितने बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आईडी एडवांस में मिलता है, बट कुछ रिएक्शन आप जानते हैं, जैसे आप बताइए। नंबर वन ऑर्गेनिक का ले लीजिए रिएक्शन, कई बार पढ़ा हुआ, एक बार नहीं, दूसरी बार पढ़ चुके हैं, दो बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार भी पढ़ लीजिए। मैंने आपको क्लास में बताया था कि मीथेन क्लोरीन ये दोनों को ले लीजिए, मैं आपको क्लास में बोला था, बताया था आपको, कॉमन नेम में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, डायपोल मोमेंट में पढ़ा चुका हूँ आपको, अल्केन टॉपिक के क्लोरीनेशन में पढ़ा चुका हूँ, तीन बार पढ़ा चुका हूँ, चौथी बार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप एज ए साइंटिस्ट हैं लैब में जाइए, मीथेन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए और दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लिए पूरे रात भर के लिए छोड़ दीजिए, आप लैब में इसको छोड़ दीजिए और क्या करिएगा, नाइट लाइट जो है बंद कर लीजिएगा, पूरा डार्क रूम, डार्क रूम में छोड़ दीजिए, प्योर मीथेन प्योर क्लोरीन और डार्क रूम में छोड़ दीजिए, रूम बंद करिए, लाइट आउट ऑफ कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और चले घर पर, छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए छोड़िए उसको, जाइए एक दिन बाद जाके देखिए तो यहाँ रिएक्शन में तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। मीथेन एंड क्लोरीन को अगर मिक्स कर रहे हैं, प्योर मीथेन है प्योर क्लोरीन है, मिक्स कर लीजिए, रूम को डार्क कर दीजिए, अंधेरे में छोड़ दीजिए, 10 घंटे 20 घंटे के लिए भी छोड़ दीजिएगा, नो रिएक्शन। सुबह ऑफिस जाइए, लैब खोलिए, लैब खोल के देखिए रिएक्शन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट, अब रिएक्शन तो नहीं हुआ, अब आप क्या करना है कि ये मीथेन और क्लोरीन रिएक्शन नहीं हुआ, अब इस मीथेन क्लोरीन को ले आइए, धूप में रख दीजिए 20 घंटे के लिए, आप छोड़े अंधेरे में छोड़े, रिएक्शन नहीं हुआ, बाहर लाइए धूप में, 2 मिनट के लिए रखिए ना आप, 2 मिनट के लिए रखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको सनलाइट, सनलाइट आप दे दीजिए, सनलाइट दे दीजिए, सनलाइट को हम लोग क्लास में बोलते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, सन में सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट का पार्ट है जो अर्थ पे आता है, सन में तो बहुत सारे रेडिएशन है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इतने सारे रेडिएशन है, बट अर्थ पे जो सबसे ज्यादा परसेंटेज विजिबल और अल्ट्रावायलेट आ जाता है, तो यूवी रे, या इसको आप अल्ट्रावायलेट रे कह सकते हैं, लाइट का सिंबॉलिक फॉर्म है एचम्यू है, एचम्यू एचम्यू द फोटोन। जैसे आप छोड़िए, आप इसको बस उठाइए, धूप में जाकर रख दीजिए, जस्ट लैब पे, जस्ट सनलाइट कहीं पड़ रहा वहां पे ले जाकर रख दीजिए, रखिए और रखते हैं ये चेन रिएक्शन पकड़ लेगा, खूब तेज पकड़ेगा रिएक्शन, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl, ऐसे जितना देर रखिएगा फर्दर चेन स्टेप होगा, अगला स्टेप होगा 1, 2 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप करते करते CCl4 तक जाता है, ये चीज़ें आप जानते हैं पढ़े हुए। अच्छा, इससे क्या आपने सीखा, इससे आपने क्या सीखा, इस रिएक्शन, ये जो रात भर छोड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ आपने रिएक्शन जैसे ही देखा आपने, आप इससे क्या सीखा आपने, रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, मीथेन प्योर मीथेन लिया था आपने और रात भर के लिए छोड़ दिया, हुआ ही नहीं रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन पे हुआ ही नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, यहाँ पे यहाँ क्लोरीन आपने लिया, ये क्लोरीन आपने लिया, प्योर क्लोरीन लिया, रात भर छोड़ दिया, हुआ ही नहीं रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन मीथेन, नॉट डिपेंड ऑन क्लोरीन, इट डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, धूप में रखे फट से रिएक्शन होगी। सो ऐसे रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन का इसी से हमें बनाना है ऑर्डर, ऑर्डर अगर आप बनाएंगे तो ऑर्डर हुआ जीरो प्लस जीरो, ये पावर ओवरऑल ऑर्डर जीरो, ये रिएक्शन हो जाएगा जीरो ऑर्डर होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल जानना, ये एग्जाम्पल आपको जानना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया आपका, पढ़ा हुआ पहले का, वो काइनेटिक में लिस्ट बनाना है। आप देखिए इसमें कहाँ नया है, तीन बार तो पढ़े हुए, चौथी बार पढ़ रहे, एग्जाम में आया हुआ, आईडी क्वेश्चन भी है इसमें कि ऐसे रिएक्शन का रेट, रेट क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए तो मैंने डिफिनेशन आपको बनाया था, तो क्या आप डिफिनेशन को अब समझ में आया आपको, डिफिनेशन मैंने ऐसे लिखा तो कई लोग पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ए है बी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसे, ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, और मैंने आपको क्या सिखाया,
कि सबसे पहले इसका रेट इक्वेशन निकालना है। रेट इक्वेशन आपको मैंने सिखाया था डिफिनेशन में कि ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। कई लोग ऑफिस में पूछने आते हैं कि ये एक्स क्यों आपने लिखा, वाई क्यों लिखा आपने, ए क्यों नहीं लिख दिया और बी क्यों नहीं लिख लिया, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में ए एंड बी लिखते थे। तो मैं समझाता हूँ कि देखिए ये ऑर्डर रेट जो है ना, रेट जो है हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते। रेट लिखने का ये जो रेट इक्वेशन लिखना है तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये चीजें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। रेट अपने मन से नहीं, ऐसे नहीं कि अपने मन से उठाया और रेट लिखती। वो केमिकल इक्विलिब्रियम में चलता था कि हाँ लॉ ऑफ मास एक्शन पावर चला गया, यहाँ चला गया, ये नहीं। यहाँ काइनेटिक में रेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और वो चीजें हो सकता है ए और एक्स सेम हो जाए, बी और वाई सेम हो जाए, नहीं भी हो सकता। और यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि इससे आपको रिलेट करना है, इससे सीखना है कि ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वही चीज यहाँ देखने में मिल रहा है। देखिए वही चीज, कई लोग बोलते हैं कि ये मीथेन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ऐसे मीथेन और क्लोरीन और यहाँ सनलाइट डालें, आपका आपका बैलेंस रिएक्शन है CH3Cl और HCl। देखिए बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है। बट जब इसका रेट, ये रेट जब आप बनाए, आपने रेट जब इक्वेशन लिखा तो पता चला कि ये के मीथेन, यहाँ देखिए यहाँ मीथेन, मीथेन यहाँ नंबर वन है, बट यहाँ पावर क्या चला गया, जीरो। क्लोरीन, क्लोरीन पे पावर जो हो गया जीरो। देखिए यहाँ पे सेम चीज, यहाँ ए है बी है बट यहाँ पावर अलग है। वो पावर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, या तो आपको खूब नॉलेज हो, आपको खूब नॉलेज हो, तीन बार पढ़ा हुआ, तीन बार में तो सीख ही जाते हैं आप। सो आपको नॉलेज हो तो आप फट से लिख लीजिएगा, अरे ये तो पावर जीरो है, जीरो है, तो पावर जीरो होता है। ये तो मीथेन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्लोरीन पे डिपेंड ही नहीं करता। सो यहाँ देखिए इसका रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर जो हो गया वो जीरो, ऑर्डर जीरो हो गया। सो आपको जानना था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर का बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बस पढ़ाया था तो मैं आपको सिखा दिया कि पहले हर एग्जाम्पल तो आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही आता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद बनाने का मेथड सीखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सो ये हुआ ऑर्डर जीरो। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं साइंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें और लिख लीजिए कि ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो, और भी रिएक्शन होते हैं, ये सिर्फ यही नहीं, ऑर्डर जीरो में फोटो ही नहीं, और भी आते हैं, मैं लिस्ट बनाता हूँ आपको। सो ऑर्डर जीरो को हम लोग साइंस में बोलते हैं द फोटो, 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 फोटोन, फोटोन फॉर लाइट, फोटो, फोटो, फोटोन, केमिकल, केमिकल, फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, ये फोटो केमिकल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन के लिए आईटी में पूछा हुआ है कि ऐसे रिएक्शन जो भी फोटो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट, ये एडवांस का क्वेश्चन था कि रेट ऑफ रिएक्शन। आप तो बहुत चीजें पढ़े हुए, आप तो ग्राफ पढ़े हुए, आप क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन में एक से ग्राफ पढ़े हुए। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ऐसे रिएक्शन के लिए आई, आई इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। धूप जितना तेज रहेगा, जितना आपका धूप, जितना सनलाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा उतना फास्ट रहेगा रेट। तो कोई नया नहीं है, ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, बट है साइंस, रिवीजन होते रहेगा, आप जब भी देखेंगे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन था आईडी एडवांस का कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो, फोटो इज फ्रॉम फोटोन, केमिकल, केमिस्ट्री रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। और रेट, ऐसे रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर। तो देखिए जीरो ऑर्डर पढ़ा हुआ था आपका, एक आध एग्जाम्पल जानना था, और भी एग्जाम्पल है। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का, उसी तरह इनऑर्गेनिक में भी होता है एकदम सेम रिएक्शन। सो दो चार एग्जाम्पल आप लिखेंगे और आप सीखते रहना है, ये नहीं मैंने बोला कि याद कर लीजिए, आप सीखते रहेंगे। सब चीज़ आप पढ़ा हुआ है आपको। सेकेंड, आप हाइड्रोजन ले लें और क्लोरीन ले लें, ये रिएक्शन भी डार्क में रखिएगा, नहीं होगा। ये भी रिएक्शन है, डार्क में रख के देख लीजिएगा, नहीं होगा। जैसे ऑर्गेनिक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक दिख रहा है CH4 क्लोरीन, वैसे इनऑर्गेनिक है। अगर आप जल्दी से यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, और अगर आप यहाँ पे लाइट डालेंगे, जैसे ही लाइट डालेंगे वो हो गया 2HC, हो गया। देखिए
रेट बना के देख लीजिएगा फिर। सो हाइड्रोजन पावर वन, क्लोरीन पे पावर वन, ओके ऑर्डर। सो सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो जीरो ऑर्डर जीरो प्लीज। फोटो केमिकल रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, सो ऑर्डर जीरो प्लस जीरो। सो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो फोटो केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, और भी एनसीईआरटी का और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ, जो जो एग्जाम्पल है वो सब पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना है, ठीक है, ये जानना है। डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैं समझा दूंगा आपको, वो तो पढ़ना है, बहुत मेजर पार्ट तो वही है, बट एक लाइन भी छूटना नहीं चाहिए हम लोग को। ये हो गया आपका। अच्छा आप जानते हैं, आप मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन में आप क्या ये जानते हैं कि जो सनलाइट है, मैंने आपको बोला था कि सनलाइट हो, ठीक, सनलाइट को आपको एग्जाम में रहेगा या तो अल्ट्रा वायलेट लाइट रहेगा, हो गया, या आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे आप एच म्यू भी कर सकते हैं, हो गया, ये तो तीनों चीज जानते ही आपका। बट आपको क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं कि सनलाइट जो इक्विवेलेंट टू है वो टेम्परेचर ग्रेटर देन द 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड 500 के ऊपर टेम्परेचर रखिएगा, तो वो बात एक ही है। सन का लाइट का जो इंटेंसिटी जो पावर होता है वो अगर डार्क रूम में रखें और हीटिंग करें, बोलेंगे हमें बाहर धूप में नहीं ले जाना है, हमको हीट करना है, तो करिएगा तो इक्विवेलेंट टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर ग्रेटर देन 773 केल्विन, ये ऐसा होता है। हो गया, आपने सीख लिया, सब पढ़ा हुआ आपका, सब चीज सेम, सब सेम है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे साइंस को समझाना होता है ना, रिलेट करते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल बोला गया कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लेटिनम या टंगस्टन, प्लेटिनम लिखा हुआ एट 1130 केल्विन एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे, और इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करिएगा तो ब्रेक करने पे ये ऐसे टूट जाता है N2+3H2, ऐसा ये N2 गैस में, 3H2 गैस में। ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में कि ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्मल डिसोसिएशन, बात एक ही है, वही चीज देखिए, सनलाइट HMU, यूवी लाइट, टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 से ज्यादा टेम्परेचर, यहां तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1130 केल्विन एंड हाई प्रेशर, एट द हाई प्रेशर, थोड़ा प्रेशर ज्यादा रखिएगा, और ये क्या है, डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ऑन द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है, प्लेटिनम या टंगस्टन, डब्लू टंगस्टन मेटल हो गया, तो मेटल सरफेस के ऊपर अमोनिया का थर्मल डिसोसिएशन, ब्रेक करना, ये जीरो ऑर्डर के एग्जांपल में है, थर्मल थर्मल ये हीटिंग है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ऑन द मेटल सरफेस, तो ये एग्जांपल है, आता है ये, देखिए डायरेक्ट एग्जाम में आता है, हैंड स्टडी में, डायरेक्ट पेपर में आएगा, चार एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा पहचानिए जीरो ऑर्डर, तो ये तो पहचान लीजिएगा, ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, बट उसके साथ साथ इसको भी पहचानिए कि है एनसीईआरटी में, तो आपको तो जानना है, एक लाइन छूटना नहीं चाहिए आपको। सो यहाँ पे प्लीज लिखना है कि इस रिएक्शन का रेट जो है, रेट जब आप पढ़ेंगे तो ये रेट कॉन्स्टेंट और अमोनिया, अमोनिया पावर जो हो जाएगा जीरो होता है, और इस तरह आप लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर आपको लिखना है जीरो, और यहाँ जरूर यहाँ नीचे लिखेंगे थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया,
ऑन प्लेटिनम सरफेस, ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस, मेटल में आपको प्लेटिनम है, चाहे आपका टंगस्टन है, आपका ये जीरो ऑर्डर में आएगा। सेम एग्जांपल एक और लिखा हुआ है, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ द एचआई का थर्मल डिसोसिएशन। सो थर्मल डिसोसिएशन, उसमें टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ, इसमें तो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, बट उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। गोल्ड, गोल्ड सरफेस पे हीटिंग करना है। ये भी एग्जांपल जीरो ऑर्डर में लिखा हुआ। अगेन द डिसोसिएशन, ये भी ब्रेक ही कर रहा है। मेटल, मेटल यहाँ गोल्ड लिखा हुआ, गोल्ड सरफेस पे, ये जीरो ऑर्डर में एग्जांपल में। सो यहाँ पे आप लिस्ट बनाएंगे, रेड के एच आई पे पावर जीरो, ये है ऑर्डर जीरो। और यहां लिखेंगे थर्मल डिसोसिएशन, ये भी थर्मल ही है। डिसोसिएशन ऑफ एच आई ऑन गोल्ड सरफेस। हो गया ये जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का कुछ लिस्ट आपको जाना था। अभी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, वन टू थ्री तक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद आपको मेन चीज स्टार्ट होगा, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बेड यहां से भी है, यहां से भी एक एक एग्जांपल पूछा जाता है। और एग्जांपल, दो एग्जांपल और चाहिए, वो पूछा हुआ क्वेश्चन आपको। देखिए आपको ऑर्गेनिक आप पढ़ते हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने ऑर्गेनिक में अपलोड किया था, चाहे उससे पहले भी वीडियो जो था, सबबाइटेड सेंटेंस रिएक्शन, लिंडलॉक कैटलिस्ट, ये जो ऑर्गेनिक के अल्कीन में आता है, अल्कीन में भी आता है, सो वहाँ पे सीखना आपको। सो आपने लास्ट क्लास, लास्ट जो मैंने वीडियो ऑर्गेनिक का जो डाला था, उसमें उसमें मैंने जैसे 12th क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मैंने बताया था आपको, और ये मैंने बोला था कि ये मेरा वर्किंग टेबल है, ये टेबल हो, और ये मैंने पैलेडियम बोला था कि ये पैलेडियम है। ऐसा इस तरह से, ठीक है, पैलेडियम ले सकते हैं, या आप, मैंने बोला था कि आप प्लेटिनम भी आप ले सकते हैं, या आप निकल ले सकते हैं, या स्कैंडियम ले सकते हैं, और एनसीईआरटी में टंगस्टन भी लिखा हुआ। और ये सब है आपका, यहाँ पे आपको पाउडर, पाउडर मैंने बना दिया, और ये हुआ आपका हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस को जैसे आपने यहाँ इसके ऊपर डाला, तो ये तुरंत हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा, एडजॉर्प्शन ऑफ, अपने आप पकड़ लेगा, वो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन, या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस वो डिसोसिएशन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये उसका उल्टा, वो डिसोसिएट भाग गया, दोनों टूट करके भागा हीटिंग करने पे, और ये आ गया, आकर के इसके मेटल के ऊपर बैठ गया। आप लास्ट क्लास लिंडलॉक कैटलिस्ट, बहुत फेमस, खूब अच्छे अच्छे 20 रिएक्शन मैंने कराया था आपको। तो उसके स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखा था, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, स्कैंडियम या टंगस्टन, सब के सब हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट है। सो ये जो ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं, ये इस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है। ये बड़ा फेमस है आपका, ये भी पूछ चुका है। सो इस रिएक्शन का जब रेट बनाते हैं, जो भी आप मेडल ले रहे हैं, चाहे गैस लेंगे, यहाँ पावर जीरो करिएगा, करेंगे आप, और यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पे जीरो। सो स्पॉन्टेनियस, यहाँ स्टेटमेंट लिख लेंगे आप अपना, कि स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। स्पॉन्टेनियस अपने आप होना, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। जीरो ऑर्डर एक्स,
तो ये जानना था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए बीच बीच में छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आईडी मेन का क्वेश्चन है, तो ये पूछा हुआ छोटा 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 क्वेश्चन मिलेगा मेन क्वेश्चन कैलकुलेशन में, बट आपको जानना है कि ऑर्डर अगर जीरो है तो कहां कहां साइंस में हम लोग देखे हुए हैं ऑर्डर, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, थर्मल डिसोसिएशन है उसी का पार्ट है, हीटिंग, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, एचएमयू, एक ही चीज है आपका, और ये है उसी का रिवर्स, जो डिसोसिएशन है उसमें एडजॉर्प्शन होगा, वापस आया आपका तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है। ये इसी एग्जांपल को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो वहां स्कूल में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जो जैसे गैस मास्क होता है जैसे जो वर्कर हैं माइंस में काम करते हैं ना, जैसे माइंस के अंदर जमीन के नीचे, जैसे कोई जमीन के नीचे जो है, अगर आप मिनरल्स और माइंस में ऐसे जमीन के नीचे आप चले जाते हैं तो जमीन के नीचे जो माइंस होता है, कोयले वाला माइंस हुआ, चाहे कोई भी मिनरल्स मेटल का माइन है आपका, तो जैसे आप जमीन के नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप जमीन, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, इस जगह हैं, आप वर्क कर रहे हैं, एज इंजीनियर भी हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग होता है ना आपका, आपका माइनिंग इंजीनियरिंग का जो फील्ड होता है द माइनिंग मेटलर्जिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग होता है, तो मान लीजिए आप जमीन के नीचे 100 फीट 200 फीट नीचे आप माइंस में वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने में देखिए वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस गैस रिलीज करते रहता है, जैसे आपका गैस निकला वहाँ से गैस निकला और गैस जो होता है जस्ट पॉइजनस गैस होता है। आप जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, जमीन के नीचे जो होता है सल्फर रिच कंपाउंड भरा पड़ा हुआ, खूब सारा सल्फर जितने भी आप मिनरल्स पढ़ते हैं, ओर्स पढ़ते हैं, उसमें मेजर ओर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑक्साइड भरा हुआ नीचे, और वो सल्फर अगर है तो सल्फर जो होता है जस्ट एसओ टू गैस रिलीज करते रहता है, तो एसओ टू गैस रिलीज होते रहता है, एसओ टू गैस ऐसे रिलीज करेगा, और एसओ टू गैस जो होता है ना वो पॉइजनस होता है, हम लोग बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, जैसे आप सांस लेंगे बॉडी में गया वो सारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और डिहाइड्रेट करता है, ज़्यादा देर रहने पे पॉइजनस बहुत ज़्यादा इसका मतलब इफेक्ट दिखने लगता है बॉडी के ऊपर। सो स्कूल में भी आता है, जैसे बिहार बोर्ड का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था कि नाउ विच मटेरियल यूज इन द डिजाइन ऑफ द गैस मास्क, तो जो लोग इंजीनियर आप रहेंगे, आप जाएंगे जमीन के नीचे जो आप माइनिंग फील्ड है उसमें जाएंगे, तो आपके फेस को पूरा कवर करना पड़ता है, ये गैस मास्क, ऐसे गैस मास्क लगा के जाते हैं, ठीक है, ये गैस मास्क लगाते हैं, ठीक है, गैस मास्क जाएंगे, जैसे आप गैस मास्क रहेगा आपके फेस के अगल बगल एसओ टू आएगा, एसओ टू को फट से पकड़ लेता है, गैस मास्क पकड़ लेगा, आपके बॉडी अंदर नहीं जाने देगा। सो गैस मास्क पूछा जाए किससे बनता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, आप बताएंगे हम लोग आपको काफ़ी डिटेल में, मैं डिस्कस करूँगा एडजस्ट टॉपिक में सरफेस केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है, ये एग्जाम में आता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ये एक्टिवेटेड चारकोल का ब्लॉक होता है, ये हर पेपर में आया हुआ स्कूल के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल, तो जो गैस मास्क बनता है ना, गैस मास्क का डिजाइन होता है वो इसी से किया जाता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल का ब्लॉक वो फेस के सामने जो होता है, फेस के सामने जैसे नोज है, नोज के सामने जहाँ से गैस एंटर करने का चांसेस है बॉडी में, वहाँ पे ब्लॉक लगा रहता है, जैसे ब्लॉक में होल्स रहते हैं, ऑक्सीजन को जाने देगा, बट एक्टिवेटेड चारकोल जैसे ही एसओ टू आएगा नोज के पास, वो एक्टिवेटेड चारकोल उसको पकड़ लेता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एक्चुअली ऑर्डर मुझे पढ़ाना था और यही कॉन्सेप्ट है, जैसे ये गैस है, गैस घूम करके आया और ये लोग कैटलिस्ट फट से पकड़ लिए, एग्जैक्टली सेम होता है। देखिए आप जो SO2 गैस, ये जस्ट जमीन के नीचे जो माइनिंग फील्ड में आप एज ए माइनर माइनिंग इंजीनियर रहिएगा, तो उस केस में चांसेस है कि SO2 गैस आपसे कांटेक्ट में आए, तो उसके लिए गैस मास्क पहनते हैं आप, जैसे गैस मास्क पहनेंगे वो एक्टिवेटेड चारकोल, ये जो एक्टिवेटेड चारकोल से ही गैस मास्क बनता है, ये गैस मास्क का डिजाइन इसी से किया जाता है, यही मटेरियल रहेगा, और जैसे ही SO2 आपके सामने आएगा ये पस पकड़ लेता है, उस एसओ टू को जो है, एसओ टू को जैसे टच किया इससे, बस एसओ टू को पकड़ लिया, ऐसे एसओ टू को पकड़ लेता, ठीक है, ऐसे एसओ टू जो भी एसओ टू गैस है वो पकड़ लेगा ऐसे, तो सारे एसओ टू गैस को पकड़ लेता, ये सारा गैस को पकड़ लेता, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन, अपने आप एडजॉर्ब, सरफेस पे पकड़ लिया ऑफ एसओ टू गैस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस, जीरो ऑर्डर एक, ये भी जीरो ऑर्डर मिल जाएगा, सेम चीज जो ये देख रहे हैं, ये तो कल पढ़े थे आप, उसी का पार्ट वहां पर।
सो गैस SO2 जो है वो गैस है और उसको स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन हो गया, ये है गैस, ये जीरो ऑर्डर में जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ही है वही कॉन्सेप्ट ही है। तो मुझे जीरो ऑर्डर पढ़ाना था कि कहाँ कहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, डिसोसिएशन ऑन द मेटल सरफेस पढ़े हुए हैं, ये फिर ऑर्गेनिक आ गया, ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट सीखते रहिए ना, वहाँ भी तो पढ़ेंगे ही, वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, सीखते रहिए। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इस रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर जो हो गया वो जीरो। बस ऐसे लिख लीजिए, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल भी लिख सकते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल ही लिखा रहता है, मतलब ऑन एक्टिवेटेड लिख लीजिए, बल्कि आता है एग्जाम में, ये आता है बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बोर्ड स्कूल में आता है कि गैस मास्क किस मटेरियल से बनता है, तो आप बोलिए एक्टिवेटेड चारकोल क्यों होता है, तो फट से आप एक्सप्लेन करिए। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है गैस को पकड़ लेता है, SO2 पॉइजनस गैस है। एक गैस की जगह में आप पकड़ में लिख लेंगे, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा गैस नहीं है, पॉइजनस गैस होता है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जीरो ऑर्डर का पढ़ाया, अब मैं आपको निगेटिव कर देता हूँ, फिर फ्रैक्शन में सिखा देता हूँ। सो नोट करते रहेंगे आप साथ साथ। सो जीरो ऑर्डर हो गया आपका, एंड निगेटिव मैं ऑर्डर सिखा देता हूँ। निगेटिव भी बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है निगेटिव ऑर्डर। सो एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल नहीं है, बट हम लोग स्कूल में जो पढ़ते थे वो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, और रीजन मैं समझा दूंगा। अभी सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है जीरो का, निगेटिव का, फ्रैक्शन का, 1, 2 एंड 3 का। सो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव ऑर्डर, रेयर है, निगेटिव ऑर्डर बहुत कम मिलता है। तो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ओजोन का डिसोसिएशन है, 3 ऑक्सीजन होगी। जब इसका रेट इक्वेशन, देखिए एक्सपेरिमेंटल चीज है ये, अपने से हम लोग नहीं लिख सकते, ये अपने से नहीं लिखा जाता, ये एक्सपेरिमेंटल है। मैं मेथड सिखाऊंगा आपको, अभी तो मुझे लिस्ट तैयार करना है ना कि जीरो है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है। ये रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये अपने से आप नहीं लिख सकते। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे ओजोन, ओजोन पे पावर 2 हो गया, यहाँ ओजोन पे पावर 2, बट इस रिएक्शन का जब रेट इक्वेशन मैं लिखूंगा तो यहाँ ऐसे आ जाता है -1। कई लोग पूछते ये कैसे आया, तो वेट करिए, प्लीज वेट करिए। साइंस मैंने कभी रटने के लिए नहीं बोला, अभी लिस्ट मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके मेथड सिखाऊंगा। ऑर्डर में मेडिकल में 50 क्वेश्चन है, तो आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप पहले स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर डिफाइन करिए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। स्टेप बाय स्टेप पहले आप लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद क्यों निगेटिव हो रहा है मैं समझाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कम से कम 5 लेक्चर तक करना पड़ेगा आपको, हर लेक्चर में से आपको 10-10 क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही दिन 1 घंटा में आप 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, आप सीखते रहिए। ये कैसे हुआ मैं समझाऊंगा आपको, अभी बस मुझे दिखाना था कि ये रेट एक्सप्रेशन हुआ, रेट लॉ हुआ। यहाँ हम लोग लिखने का तरीका ऐसा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन, ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, ओजोन पे पावर जो हुआ वो ऑर्डर 2। फिर लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करेंगे वो ऑर्डर हो गया -1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। देखिए ये निगेटिव ऑर्डर, ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव है, जबकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब आप लिखेंगे यहाँ पे 2 -1 = 1। ओवरऑल पॉजिटिव ही है बट थोड़ी देर के लिए ही दिखा, यहां दिखा तो आपको निगेटिव, थोड़ी ही देर के लिए एक ही के रिस्पेक्ट में दिखा, बट दिखा तो ऑर्डर, ऑर्डर ऑक्सीजन का निगेटिव होता है।
तो ये एक एग्जाम्पल है निगेटिव ऑर्डर का। अब हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन। निगेटिव में ये एग्जाम्पल है, क्यों हुआ वो अपने आप आएगा, थोड़ी वेट करना आपको। पहले मुझे लिस्ट बनाने दीजिए, फोर फ्रैक्शनल ऑर्डर। लिस्ट से बना दी, इसमें एनसीआईटी में जो एक एग्जांपल लिखा हुआ वो एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म है और अगर इस पर रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन को, सो ये प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ CCl4 और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है HCl, वो बैलेंस रिएक्शन है। एनसीआईटी में एक रिएक्शन लिखा हुआ, हम लोग दो तीन और जानते हैं हम लोग जो साइंस में पढ़ना है। तो रेट यहाँ लिखा हुआ कि रेट जो है वो रेट कॉन्स्टेंट, क्लोरोफॉर्म CHCl3 पे पावर 1 है, जबकि क्लोरीन क्लोरीन पे पावर 1/2 होता है। सो इस तरह ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर में 1+1/2 और फाइनल आंसर हो गया 1.5। देखिए ऑर्डर फ्रैक्शनल हो गया, 1.5 का ही एग्जांपल है, बहुत सारा है एनसीआईटी में एक एग्जांपल है। मैं और जबकि साइंस में और एक एग्जाम्पल जानता हूँ कि जिसमें ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, बट होता है 1.5 ही। लिस्ट में बनाता हूँ आपको, सो CO कार्बन मोनोक्साइड है, क्लोरीन इससे रिएक्शन करिएगा आप, यहां भी बन जाता है CoCl2 फॉस्जीन गैस, इसको फॉस्जीन गैस, ये पॉइजनस गैस है, ये फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस है, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये कार्बन मोनोक्साइड क्लोरीन, ये पॉइजनस फॉस्जीन गैस है। सो ये गैस पढ़े हुए हैं, पॉइजनस फॉस्जीन गैस कॉमन नेम है, आप सब पढ़े हुए हैं। सो आप इसके लिए जब रेट लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, आप जब रेट बनाते हैं तो रेट बनाएंगे तो रेट में यहाँ पे के और कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड पे पावर 1, क्लोरीन क्लोरीन पे पावर 1/2, ऐसा 1/2 ऐसा। सो ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर बनाएंगे यहाँ पे, सो ऑर्डर तो ऑर्डर जो हुआ 1.5 फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो सब फ्रैक्शनल के 1.5 ही ऑर्डर है और रीजन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और एग्जांपल लिखे फ्रैक्शनल में, मुझे तीन चार एग्जांपल और है जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक ये हो गया, एक ऑर्गेनिक में आता है एल्डिहाइड का डिसोसिएशन, थर्ड में डिसोसिएशन ऑफ एल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड जैसे CH3CHO ये डिसोसिएट करता है और डिसोसिएट करके ये बन जाता है CH4 प्लस कार्बन मोनोक्साइड, ये CH4 एंड कार्बन मोनोक्साइड ये बन गया। सो यहाँ भी इसका भी इक्वेशन जब लिखा जाता है तो रेट, रेट जो होता है वो के और यहाँ पे CH3CHO एस्टरडिहाइड पावर 1.5 हो जाता है। इस तरह इसका ऑर्डर, ऑर्डर जो है इसका भी है 1.5। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर में ये एग्जाम्पल आता है, एक HBr का फॉर्मेशन है वो भी फ्रैक्शनल में आता है, बट सब में है 1.5 ही। H2 प्लस Br2 का रिएक्शन बैलेंस है 2HBr, बट जब इसका रेट लिखते हैं तो रेट लिखने में ऐसा आता है, ब्रोमीन पावर 1/2, K2 हाइड्रोजन पावर 1 हुआ और ब्रोमीन इस पे पावर हुआ 1/2, ऐसा आता है। ओवरऑल ऑर्डर 1.5 ही है, ओवरऑल चेक कर लीजिए इसमें ऑर्डर 1.5। फ्रैक्शनल में 1.5 ही है, इसी का बहुत सारा एग्जांपल, एक इनऑर्गेनिक में है हाइड्रोजन का कन्वर्जन, ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन, ऑर्थो पारा हाइड्रोजन में स्पिन का डिफरेंस होता है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा इनऑर्गेनिक में। सो आपको यहाँ 5 में लिखना था हाइड्रोजन ऑर्थो से हाइड्रोजन एक पारा हाइड्रोजन होता है, ये ऑर्थो पारा ऑर्गेनिक का नहीं, ये इनऑर्गेनिक में स्पिन का ओरिएंटेशन पे बेस पे ऑर्थो एंड पारा रहता है। सो इसका कन्वर्जन में भी ऑर्डर 1.5 जाता है, सो हाइड्रोजन है और ऑर्थो यहां 1.5, सो ऑर्डर है 1.5। ये हो गया, जीरो हो गया मेरा, और क्या क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। अब मैं लिस्ट बना देता हूँ 1, 2, 3 एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि ऑर्डर निकालने का मेथड,
ये सब जो बना रहे हैं वो कैसे बनाया, कैसे जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रैक्शन लिखिए, फिर मैं आपको वन का सिखाता हूँ आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल मुझे लिखना था, सो यहाँ पे फाइव फाइव में आपका देखिए फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते। फर्स्ट ऑर्डर देख सकते ऑर्डर, ऑर्डर अगर वन हो, ऑर्डर वन, ऑर्डर वन के एग्जाम्पल में वही मॉलिक्यूलिटी वाला एग्जाम्पल लीजिए ना, वो जो मॉलिक्यूलिटी का आपका अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, वही सब फर्स्ट ऑर्डर में आता है। सो नंबर वन, नंबर वन में आप लिख लेंगे NH4 और NO2, सो थर्मल डिसोसिएशन, और N2 प्लस टू वाटर, सॉरी N2 प्लीज N2 बैलेंस करना है, टू वाटर। चेक करिए अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन और टू वाटर हुआ, इसका ऑर्डर वन होता है। आप रेडी क्वेश्चन लिख लेंगे, रेडी क्वेश्चन में के कर लेंगे यहां पे NH4 NO2 पावर वन, ऑर्डर वन हो गया। सिंपल रिएक्शन, सिंपल अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्रेट भी कर लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन। नेम लिखना उसके नीचे नेम लिख लीजिएगा, अभी तो मैंने मॉलिक्यूलिटी में सब समझाया था आपको कि अमोनियम नाइट्रेट रखिएगा, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करिएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका N2O गैस प्लस टू वाटर। ओके सेम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में आता है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यहाँ पावर वन हो गया, देखिए ऑर्डर वन हो गया, हो गया ऑर्डर वन। ऑर्डर वन में आपका जो ऑर्गेनिक का फिर रिएक्शन ले सकते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन ले लीजिए, एक एक मैग्नीम बेस्ड जो रिएक्शन है वो लेना हो तो ऐसे ले लीजिए इस रिएक्शन को, ये भी काफ़ी फेमस है। टू मोल्स ऑफ द, मैंने मॉलिक्यूलिटी में भी दिखाया था आपको, टू मोल्स N2O5 डिसोसिएट कर रहा है, यहाँ 4 NO2 प्लस O2 डिसोसिएशन है आपका। सो ऐसे रिएक्शन में आप देखिएगा यहाँ पे लगेगा कि ऑर्डर टू है, बट ऑर्डर टू ना होकर ऑर्डर इसका वन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल में है। तो डिसोसिएशन ऑफ N2O5 जब आप इसका रेट लिखते हैं तो रेट लिखेंगे तो यहाँ K और ये है N2O5, N2O5 पे पावर जो हो गया वन, इसका ऑर्डर जो हो गया वन, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में आता है, ये बहुत फेमस है फर्स्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिक ले लीजिए, ऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, वो भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे पढ़ना भी है। सो आप ये ले लेंगे ईस्टर, आप ले लीजिए एक ईस्टर, आप ले लीजिए C(O) और OCH3, सिंपल कोई ईस्टर ले लीजिए ऐसा रिएक्शन, और इस पर वाटर डाल दीजिए, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले लीजिए, थोड़ा एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा एसिड आप डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, बट है आगे भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना होता है। अब जैसे इसमें आप डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ बन जाएगा एसिड CH3 C(OH), एसिड बन गया, और इधर से अल्कोहल बन गया CH3OH, देखिए ये रिएक्शन है आप। सो ये है हाइड्रोलिसिस, ये वाटर है, वाटर इस पर ऐड करना है, वाटर इस पर ऐड करना था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये लिखा रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है स्कूल के लिए भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये लिखना होता है कि इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में आपको, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा, ये वाटर का कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये आगे भी आएगा, आगे कई बार आएगा आपको रिएक्शन, ऑर्गेनिक में भी चाहे काइनेटिक में भी आएगा। यहाँ रेट कांस्टेंट करिएगा ईस्टर, आपको लिखना है ईस्टर CH3 C(OH)CH3 ईस्टर, ईस्टर पे पावर वन कर लीजिएगा, और वाटर, वाटर पे पावर जो है वो जीरो करना है, इस पे पावर वन करना है, वाटर पे पावर जीरो करना है। और अब आप जब लिखेंगे इसमें ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है वो इक्वल टू वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये फिर वापस आएगा, इसको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में भी कहलाता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, मेरे टेबल पे जो बुक है उसमें तो एम्स में मैं देख रहा हूँ। सो बट कॉमन है, ये कॉमन है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं हम लोग कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस वाटर, वाटर इस पे ऐड कर रहे हैं, बट मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो आपका फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में आएगा, वाटर पे पावर जीरो करना है, वाटर का कंसंट्रेशन नहीं यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका और एम्स का क्वेश्चन, यही अगर बेसिक मीडियम में है ना, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक की जगह बेसिक मीडियम, तो उसका ऑर्डर टू हो जाता है। सो ऑर्गेनिक के रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब आगे भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में भी, और यहाँ फिर आएगा, फिर आएगा सूडो यूनिक का, एक बार एग्जाम्पल में बताऊँगा, वहाँ भी आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर में यही है, यही ऑर्डर फर्स्ट हो गया। सेकेंड का कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर टू कर लीजिए, ये एग्जाम्पल पहले तो इसी को लिखिए, इसी एग्जाम्पल को लिखिए, ये जस्ट अभी खत्म हुआ 5 नंबर, इसी से स्टार्ट करिए। ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसी का एग्जाम्पल लीजिए। सेम क्वेश्चन, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और ओ CH3, सेम एग्जाम्पल, बट यहाँ पे बेसिक मीडियम कर लीजिए। यहाँ देखिए बेस, देखिए यहाँ बेस, वो एसिड है ना, एसिड कैटलिसिस, ये बेस, बेस ले लीजिए, बैलेंस करिए, बैलेंस है, चेक कर लीजिएगा CH3 वॉच, बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस, चेक करिए। यहाँ आप आपको लिखना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर का, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, ये डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ से ब्रेक करता है, डिसोसिएशन ऑफ ईस्टर इन इन बेसिक मीडियम, सो दोनों एक ही रिएक्शन है, एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये बेसिक मीडियम है। अगर बेसिक मीडियम में करिएगा तो यहाँ रेट देखिए, सो रेट इक्वेशन जो लिखा जाता है वो के, और यहाँ पे आपको ईस्टर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 इस पे पावर 1 और OH- जो बेस है उस पे भी पावर 1 होता है, दोनों पे पावर 1 एंड 1, इस तरह ऑर्डर जो हुआ 1+1, ऑर्डर जो है वो 2। सो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर एसिडिक मीडियम है सेम क्वेश्चन है, बट एसिडिक मीडियम ऑर्डर 1 और बेसिक मीडियम करिएगा ऑर्डर 2, दोनों पेपर में खूब आता है आपको। सो ऑर्डर 2 का एकदम आमने सामने दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, एग्जाम ऑर्गेनिक के लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए भी है आपका। ये हो गया ऑर्डर 2 में, और लिखना हो एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए ऑर्डर 2 में, ये भी एग्जाम्पल ऑर्डर 2 में आता है, जैसे मैंने N2 कर लिया और प्लस O2 कर लिया, और यहाँ 2 मोल्स ऑफ द NO बना लीजिए, ये भी ऑर्डर 2 में आएगा। N2 पावर 1, O2 पावर 1, वन प्लस वन टू, सो ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 में ही आएगा। सो ऑर्डर 2 में यही सब एग्जाम्पल है, हो गया आपका। और थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में करना है तो थर्ड तो बहुत कम ही होता है, बट एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जो एनसीईआरटी में ही है, 3 के आगे बड़ा रेयर है आपका। थर्ड ऑर्डर लिख, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 में ये एग्जाम्पल कर लीजिए आप, 2 मोल्स ऑफ द NO और प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे बन गया आपका 2 मोल्स ऑफ द NO2, ये देखिए एग्जाम्पल, जो मॉलिक्यूलरी में जो पढ़े हैं वही चीज़ें, वही चीज़ यहाँ पे भी है, और आप लिख लेंगे यहाँ पे कि रेट, सो के है NO का स्क्वायर हुआ, O2 पावर 1 हुआ, सो ऑर्डर जो हो गया वो 3 हो गया, ऑर्डर 3।
फिगर भी बना लीजिएगा। फिगर बना के आप दिखाना होता है, ऐसा दिखा लीजिए कि ये साइमल्टेनियस कोलिजन है। एक एनो हुआ, जैसे मॉलिक्यूलरली पढ़े हैं वैसे यहाँ पे बना लीजिएगा, ये एनो हुआ। सो ऑर्डर थ्री का वही मीनिंग है जो मॉलिक्यूलरली का मीनिंग होता है कि साइमल्टेनियस कोलिजन, एक ही जगह सबको आना पड़ेगा, एक ही जगह ऐसे ऐसे और इधर से ऑक्सीजन आएगा। सो थ्री तक होता है, बट थ्री के आगे बहुत रेयर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि यहाँ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स, थ्री जो टू ये और एक ये थ्री। सो यहाँ पे साइमल्टेनियस कोलिजन, थ्री मॉलिक्यूल्स, सो साइमल्टेनियसली एक ही साथ जस्ट हाइड्रोजन कोलिजन होता है साइमल्टेनियस। सो अंडर मेरा कंप्लीट डिफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑर्डर जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, वन टू थ्री, थ्री से ज़्यादा वेरी रेयर, क्यों वेरी रेयर वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं, वो आ चुका है पेपर में, और हर एक ऑर्डर का एग्जाम्पल जीरो का पूछ चुका है, कई क्वेश्चन उसमें से आईडी क्वेश्चन थे, मेन का क्वेश्चन था। नाउ निगेटिव फ्रैक्शन मैंने बता दिया, पॉजिटिव में वन बता दिया, टू और थ्री, थ्री कंप्लीट। अब मैं स्टार्ट करूँगा कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है, कम रहेगा, बट बेस्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म, अलग अलग मेथड है, फ्रॉम हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, फ्रॉम ग्राफ फॉर्म, फ्रॉम ऑर्गेनिक रिएक्शन, सुडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन, कई मेथड है, 6, 7, 8 मेथड होगा आपका ऑर्डर बनाने के लिए। मैं डिस्कस करूंगा एक एक मेथड, मैं समझाऊंगा आपको, देखता हूँ क्या क्या पूछा जाता है और हर एक से रिलेटेड क्वेश्चन, खूब सारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं।